तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आपको बता दें कि 13 फरवरी के सभी शिफ्ट, जी हां दोस्तों, यहां पे सभी शिफ्ट समाप्त हो चुके हैं और कुल 100 से भी ज्यादा प्रश्न लेकर हम आए हैं आप सभी के एग्जाम के, जो कि आज पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में। तो जी हां, आप में से जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं चैनल पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और सभी प्रश्न देख कर ही जाएं अगले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि अगले शिफ्ट में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो रहे थे आज भी कि रिपीट हो रहे थे, पर ज्यादातर क्वेश्चन आज नए दिखने को मिले इन कंपैरिजन 11th और 12th फरवरी के। पर 13 फरवरी का जो क्वेश्चन सिनारियो है ये आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो ये रहे आज के प्रश्न। पहला ही प्रश्न था शहर लखनऊ से, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो है लखनऊ शहर। जी हाँ, कल्याण द्वारा रचित पुस्तक, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी किसने, किससे संबंधित है। देखिए, इसका मैंने उत्तर भी दिया था पहले शिफ्ट के एनालिसिस में। आप सभी को बता दें कि हर शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आते हैं आपके लिए, और ये टोटल यानी कि तीनों शिफ्ट का एनालिसिस है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका PDF मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा, और इसका आंसर है दोस्तों कश्मीर का इतिहास। ओके, अगला प्रश्न बन रहा था यहाँ क्रिकेट से कि क्रिकेट के बल्ले किससे बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं बिलो से, नोट कर लीजिएगा। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है, तो ये करता है दोस्तों मलेशिया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की है, तो ये है दोस्तों शहर अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ग्रुप डी में बहुत बार पूछा भी गया था, जो भी ग्रुप डी के शिफ्ट हो रहे थे एग्जामिनेशन के वहां पे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके लेखक हैं। क्यू जो है ऑप्शन है, क्यू बॉल जो होता है वो उस किस खेल से संबंधित है, तो जो भी बिलियर्ड्स खेल जानते होंगे वो जानते होंगे क्यू बॉल कहा जाता है उनको। क्लोव आइलैंड किस द्वीप को कहा जाता है, तो जंजीबार, जी हाँ जंजीबार आइलैंड को कहा जाता है क्लोव आइलैंड। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये है दोस्तों क्रिकेट से। सिखों के 10वें गुरु का नाम पूछा गया था, देखिए कल भी एक प्रश्न था सिखों सिख धर्म से, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अगर देखे हैं या फिर देख रहे हैं तो वो सारे प्रश्न पढ़ के जाए, ठीक है। तो यहाँ आंसर गुरु गोविंद सिंह है। अगला प्रश्न है कि भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो होता है दोस्तों केरल में। भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं उनका नाम, तो नीलम संजीव रेड्डी। गोल्डन हैंड से संबंधित है किसे, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम पूछा गया है, तो ये है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी बहुत बार ग्रुप डी और ALP में भी पूछा गया था। तो दोस्तों अब ध्यान देते रहना है आप लोगों को कि कौन कौन सी क्वेश्चन का कनेक्शन कहाँ से हो रहा है, और वही क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाने आपको। बाकी इनमें से ऐसे आपको आगे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है 11 और 12 फरवरी के एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो रिपीट किए गए हैं सेम एज इट इज। तो कौन से भारतीय 12 वर्ष के बाद, कौन सा भारतीय 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व है ये, तो ये है दोस्तों कुंभ मेला जो है ये हर साल 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी दिया था जिसमें प्रयागराज में हर 6 साल पे, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ पे हर 6 साल के बाद कुंभ मनाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। द निनसेक पुस्तक ने के लेखक कौन है, तो ये है जुम्पा लहरी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पुस्तक से भी रिलेटेड है। और आप सभी को एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट का एक फोल्डर है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे एक फोल्डर है इंपॉर्टेंस GK करके, उस फोल्डर में जाते ही, जी हाँ उस फोल्डर में जाते ही आपको हर टॉपिक पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इन सभी परीक्षाओं में वहां से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी उस क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है। श्वेत क्रांति से संबंधित एक व्यक्ति का नाम बताना था यहाँ पे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत को बर्मा से कब अलग किया गया है, ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था सवाल,
तो ये सन 1937 ईस्वी में किया गया था। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है, ये भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में था, तो ये अवतल लेंस है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया है सैमुअल मोर्स ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। एमएफ का मुख्यालय तो है वाशिंगटन डीसी में। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, देखिए कोशी नदी इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष बल्लेबाज कौन है, तो देखिए आईसीसी के रैंकिंग में अगर टेस्ट की बात करें तो सबसे नंबर वन पे हैं भारत के कप्तान विराट कोहली। ओके, नोट कर लीजिएगा। और 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नदिया मुराद डेनिस मुकीवेग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन रहे, तो ये थे एन के सिंह, नोट कर लीजिएगा, एन के सिंह इज द राइट आंसर, जिनका भी ये उत्तर था सही है। और ये क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन मैं सुबह कंफ्यूज भी किया था, ये सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था और फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा किस त्यौहार में की जाती है, तो ये है ओणम। ओके, नोट कर लीजिएगा। और भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान का नाम, ये एक ऐसा यान है जो कि मानव मुक्त है, यानी कि इसमें कोई भी मानव नहीं जाएगा, इसका नाम है गगनयान, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, इसकी हरी झंडी दिखलाई थी। और परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। आपको बता दे कि इससे रिलेटेड मैंने सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न भी एक दो बताए थे। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एटीएम का पूर्ण स्वरूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नोट कर लीजिएगा। रानीखेत किस राज्य में स्थित है, आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार पूछा गया है। और जितने भी कप हैं, है ना, चाहे बैडमिंटन से हो, टेनिस से हो या फिर क्रिकेट से हो, तो इन सब का नाम याद रखिएगा कि किस खेल से, या फुटबॉल का ही, तो किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न बार बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, तो ये है अशोक गहलोत, नोट कर लीजिएगा। और एड्स परीक्षण के लिए कौन सी जांच कराई जाती है, तो ये है दोस्तों एलिसा टेस्ट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और संविधान में भारत का क्या है स्थान, तो संविधान में भारत को क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है, तो ये बहुत सारे राज्यों का एक संघ ही है भारत, तो इसलिए आंसर है राज्यों का संघ, वहां पे जो भी टिक किए थे सही है उनका उत्तर। और शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत दिया गया, तो दोस्तों आंसर है 86वें संविधान संशोधन के तहत था ये। ये प्रश्न पहले शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने बताया भी था आपको पहले शिफ्ट के एनालिसिस में। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रोज आप लोगों को जो वीडियोज़ अपडेट किए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, उन सभी वीडियोज़ को जरूर देखें आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे ही होंगे। हम बताएंगे आपको हर एक एनालिसिस में कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। ये वीडियो को भी जरूर देखिएगा पूरा, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत लोग आधा देख के ही छोड़ देते होंगे, पर आशा करता हूँ कि आप लोग सभी पूरा क्वेश्चन देखें, तब फिर इसका PDF पढ़ें, तब याद हो जाएगा अच्छे से। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो डॉक्टर राजीव कुमार है, नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से लगे हुए राज्य, तो हड़प्पा सभ्यता से गुजरात भी प्रभावित था, राजस्थान भी, हरियाणा भी और उत्तर प्रदेश भी। हरियाणा एक्चुअली क्या उस समय पंजाब हुआ करता था, क्योंकि पंजाब से ही ये बटकर हुआ है हरियाणा, ठीक है। और ढाई दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। ओके, ये प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में आपके। अगला प्रश्न देखते हैं कि मजूली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अब देखिए कुछ हिंदी से प्रश्न है, जो आंखों के सामने है ये प्रत्यक्ष, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय होते हैं, और जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं। सिर पर तलवार लटकना के मुहावरे का अर्थ होता है डर बना रहना, और आकाश का पर्यायवाची होता है गगन और व्योम, और बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, और शुद्ध वर्तनी संस्कार का यहाँ पे लिखना था, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा वो लिखा हुआ था संस्कार, ठीक है, पर इसका सही उत्तर है ये शुद्ध वर्तनी, और वही तकनीकी का भी कुछ स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, ये
आकार की मात्रा छोटी दी हुई थी, पर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, तो ये होगा सही आंसर इसका। और प्रत्यक्ष का विलोम तो होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये देखिए क्वेश्चन कल से रिपीट किया गया है, तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पटियाला में। ये एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि स्टेडियम्स के बारे में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्ति का मात्रक, ये फिजिक्स से क्वेश्चन बन के आया है आज पहली बार, क्योंकि अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे हमें आप लोगों को। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? तो आंसर था दोस्तों मानसिंह। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी। और हेली धूम केतु कितने वर्षों बाद दिखाई देती है? तो ये दोस्तों 26 वर्ष के बाद, 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। और आगा खान कप, देखिए यहाँ पे भी संबंधित आ गया कप से रिलेटेड, तो ये है दोस्तों हॉकी से संबंधित है आगा खान, नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ग्रुप डी और एएलपी एग्जाम के समय। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों लद्दाख में। ओके, चलिए, सर पर तलवार लटकना, ये कल मुहावरा पूछा गया था, डर बना रहना। आबू धाबी की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त अरब इमारात यानी कि यूएई, ये नोट कर लीजिएगा। ये अब देशों के भी राजधानी के नाम याद करने होंगे आपको। संयुक्त राष्ट्र का संघ कहाँ है मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया है? तो गुरु तेग बहादुर को दिया है, आंसर है करेक्ट आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। और जिससे जाना ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो अनजान। और यहाँ पे एक देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न बनकर आ चुका है दोस्तों, कि यहाँ पे D2O जो है ये होता है भारी जल का सूत्र होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा का लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो अलमारा, नोट कर लीजिएगा, आलम आरा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों उस दिन गुरुवार था। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है आपको निकालने का, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलेंडर चैप्टर तो उसके जरिए आप बना सकते थे। ठीक है, जिसका कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो गया है फिर से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। और बांग्लादेश का देखो मुद्रा पूछ दिया यहाँ पे, तो उसको होता है टका, आपसे रिलेटेड यहाँ से पूछ सकता है। पाकिस्तान का तो रुपया होता है, चाइना का तो युआन होता है। ठीक है, युआन होता है, ये आज पूछा भी गया था सेकेंड शिफ्ट में। और महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। गिद्धा, जी हाँ, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों पंजाब से। टीका रोग किसे संबंधित है? तो मूंगफली से। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल भी किसने बनवाया था? तो शाहजहां नहीं बनवाया था। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की। अधिक केंद्र शब्द संबंधित है किसे? तो भूकंप से, नोट कर लीजिएगा। और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आज थर्ड शिफ्ट में भी, पंजाब जो गिद्धा जो है नृत्य, ये पंजाब से रिलेटेड है। अकबर का सेनापति कौन थे? तो राजा मानसिंह थे। गुरिल्ला युद्ध किसने शुरू किया था? तो देखिए ये इसका आंसर देना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फ्रेंच जो होते हैं हुए थे लोग, ठीक है, उनके बीच और स्पेनिश लोगों के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब पर्टिकुलर अगर राजा का नाम पूछा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर इसका आंसर। ठीक है, वेयर इज द बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये आंसर है दोस्तों कर्नाटका। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था सन 1527 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न हिस्ट्री से आज एक ही आए हैं। ठीक है, और फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया अलमारा, जो कि बोलती फिल्म है जिसके बारे में अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन था आपका हैवी वाटर से रिलेटेड, जिसको हम लोग D2O कहते हैं। ठीक है, उससे केमिकल रिएक्शन कुछ करके पूछा गया था, बहुत अड़के बताए थे पर यहाँ पे क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? तो डायमंड होता है, यानी कि हीरा। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, तो ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, अब कुछ प्रश्न थे जो कि आपके मैथमेटिक्स से थे, तो इन प्रश्नों को भी जरूर आप लोग एक बार देख के बना लीजिएगा। ठीक है, और ये आप खुद से एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि इसी तरह के मैथ और रीजनिंग से इजी बहुत कुछ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आज तो रीजनिंग का जो सिनारियो था
वो वहां पर मात्र दो क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में थे, दो क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में थे, उससे ज्यादा नहीं पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं गया था। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है आपके रीजनिंग के भी, तो इसे आप भी देख लीजिए और ठीक है इसको क्लिक करके ले लीजिएगा। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। चलिए तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न यहाँ हमारे साथ बन पाए हैं मैंने आप तक शेयर किया है। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों तक पहुंच सके जो SSC GD कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं और उन तक ये प्रश्न सारे पहुंचने चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।